हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति डायरीज में मैं प्रीति झा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग के 8:30 बज रहे हैं। अभी दलिया टप्पू के लिए मैंने बनाया, वो बनाने के बाद थोड़े से बर्तन गंदे हो गए थे तो मैं अभी वही साफ कर रही हूँ। बर्तन धो लेने के बाद मैं आज बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट, लंच दोनों एक साथ ही बनाने वाली हूँ क्योंकि आज मैं जाऊँगी बाहर, कुछ काम है थोड़ा सा, तो इसीलिए मैं दोनों साथ में ही बना। बर्तन थोड़े से भी गंदे रहते हैं तो किचन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बर्तन एकदम साफ़ सुथरे धुले हुए हो तो काम करने में अच्छा लगता है और फटाफट काम भी हो जाता है। तो मैं ज़्यादा बर्तन जमा करके नहीं रखती हूँ, थोड़े थोड़े करके ही धो लेती हूँ। जब वो गंदे हो जाते हैं तो मैं जैसे ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो फिर मैं उसका बर्तन धो लेती हूँ। मॉर्निंग में तो बर्तन ज़्यादा गंदे ज़्यादा होते हैं क्योंकि 2-3 टाइम चाय भी बन जाता है। सावन का महीना चल रहा है, सावन का ये पूरा महीना ख़त्म होने में अब 4-5 दिन ही बचा हुआ है। मुझे तो मेरा तो बहुत ही अच्छा गया ये पूरा मंथ। आप लोग का कैसा गया ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जो किचन में मनी प्लांट लगे हुए हैं मैंने खाली बोतल में लगाया हुआ है, उसी को यहाँ धो रही हूँ अच्छे से। उसका पानी भी चेंज कर देती हूँ, हर सप्ताह में एक बार तो ज़रूर कर देती हूँ, और डेली पत्तों को मैं साफ़ कर देती हूँ। किचन में थोड़ा हरियाली रहता है तो अच्छा लगता है, तो किचन के विंडो पे मैं रख देती हूँ। जो भी बोतल कांच का खाली होता है तो उसमें मैं यही लगा देती हूँ, चाहे वो सॉस की बोतलें हो। मनी प्लांट का पौधा उगाना बहुत इजी है, चाहे इसे पानी में या मिट्टी में, ये इजी से हो जाता है तो ये अच्छा लगता है, कहीं भी इसे उगा सकते हैं। तो अब मैं टप्पू को दूध दे दूँगी। दूध देने के बाद मैं अभी कढ़ी बनाने के लिए जा रही हूँ किचन में, तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है, हल्दी पाउडर, नमक और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे घोल तैयार करेंगे। गाढ़ा घोल पकौड़ों के लिए गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि पकौड़े अच्छी तरह से फूल जाए। तो मैंने घोल को अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब मैं बनाऊंगी पकौड़ा। आप लोग को कढ़ी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ मैं नमक डालना भूल गई थी तो मैं भी नमक डाल रही हूँ। एक पैन में सरसों तेल गरम करके उसमें पकौड़ों को हम तलने के लिए डालेंगे और एकदम धीमी आँच पर पकौड़ों को तल लेंगे। मुझे कढ़ी चावल ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस भी है कढ़ी चावल पकौड़ों के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है अगर जो अच्छे से बनाया जाए। मैं आज बिना दही के बना रही हूँ, इमली के साथ, इमली डालकर मैं आज बनाऊँगी। ज़्यादातर यह दही में ही बनती है, इमली में भी बन जाती है जब दही घर में नहीं हो और ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हो तो आप इमली में डालकर बना सकते हैं। थोड़े से मैंने आलू के पकौड़े भी तल लिए। घर में सबको पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, आलू के पकौड़े मेरे घर में सबसे ज़्यादा पसंद है, जीत को भी टप्पू को भी। तो मैं आलू का पकौड़ा ज़्यादा तल देती हूँ। जब भी कभी चावल बनाती हूँ तो 1-2 आलू काटकर उन लोगों के लिए मैं ज़रूर पकौड़ा तल देती हूँ। तो पकौड़े बन जाने के बाद इसमें, इसी पैन में मैं डाल दूँगी लाल मिर्च, हर थोड़ी सी मेथी, जीरा डालकर। कई लोग काला राई भी डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ, तो मैं बस यही डालकर, तेजपत्ता भी मेरे पास नहीं है तो मैंने डाल दिया है घोल को। अब इसे अच्छी तरह से चलाना है, इतना जल्दी जल्दी चलाना है कि ये, ताकि इसका जो इमली मैंने अभी डाला है वो फटे नहीं। तो गैस को मीडियम फ्लेम पर रख के एकदम इसे चलाते रहना है, चलाते रहना है, इतना अच्छे से चलाना है ताकि जब तक ये बेसन पक ना जाए इसे चलाते ही रहना है, कढ़ी बिल्कुल नहीं फटेगी। और
एक टिप्स जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं कढ़ी बनाते टाइम कभी भी नमक नहीं डालती हूँ। मैं कढ़ी बनने के बाद नमक डालती हूँ, फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर पहले नमक डाल दिया जाता है तो। यहाँ मेरी कढ़ी बनकर तैयार हो रही है, उबलने लगी है तो मैंने पकौड़ों को डाल दिया है। पकौड़ों को डालने के बाद मैं 1 से 2 मिनट के लिए गैस के धीमी आंच पर छोड़ दूंगी ताकि पकौड़े में ये जो कढ़ी है अंदर तक चले जाए। तो देखिए कढ़ी तैयार है। बर्तन धोया था मैंने, उसे मैं रख लूँगी। अब यहाँ मैं मूंग की दाल बना रही हूँ, तो उसके लिए दाल नहीं बना रही, उसे गाढ़ा सा एक दाल होता है ना वो बना रही हूँ रोटी के साथ खाने के लिए, टप्पू के लिए। यहाँ मेरा अदरक लहसुन पेस्ट जो मैं 15 से 20 दिन के लिए फ्रीजर में स्टोर करके रखती हूँ, मैं वही पीस रही हूँ। आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा सूखा हुआ था क्योंकि जब मैं घर जा रही थी 1 से 2 महीने के लिए तो मेरे पास लहसुन और अदरक था, तो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने उसको काट कर थोड़ा सा हल्का सा धूप में रख दिया था तेल डालकर। और जब मैं आई तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुए, तो मैं वही पीस कर रख देती हूँ। यहाँ मेरी दाल भी बन चुकी है। आलू की भुजिया मैं ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि घर में सबको चावल दाल पर या कढ़ी पर आलू का भुजिया ज़रूर पसंद आता है। तो मेरा बिहार का थाली कढ़ी चावल वाली थाली तैयार है। तो आइए आप लोग भी खाइए, आप लोग को कैसा लगा।